दही भल्ला एक ऐसी डिश है जो लगभग सभी भारतीयों को पसंद आती है। वैसे तो आप सबने दही भल्ला खाया ही होगा, लेकिन आज हम आपको मधुबन दही भल्ले की एक ऐसी स्पेशल डिश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये मधुबन बड़ा खाने में जितना स्वादिष्ट है उतना ही सेहत के लिए हेल्दी और फायदेमंद भी है। हापुड़ का मधुबन बड़ा स्पेशल सॉफ्ट क्रीमी को अगर आप एक बार खा लेंगे तो बार बार इसकी डिमांड करेंगे। मीठी और सॉफ्ट क्रीम के मधुबन स्पेशल दही भल्ले के लिए ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। ड्राई फ्रूट की इस डिश को ना सिर्फ और स्पेशल कर देता है बल्कि खाने में भी इसका जायका बढ़ा देता है। सॉफ्ट और ठंडी क्रीम के अलावा भरपूर मात्रा में ड्राई फ्रूट डालने से मधुबन बड़ा सेहत के लिए हेल्दी और फायदेमंद साबित होता है। गर्मियों में इस मधुबन बड़े की काफ़ी डिमांड रहती है। मधुबन बड़ा को खाने के लिए शहर के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग इसका स्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। मधुबन बड़ा की स्टॉल लगाने वाले मूलचंद बताते हैं कि यह बड़ा मूंग की दाल से तैयार किया जाता है। हापुड़ की यह सबसे स्पेशल डिश है। हापुड़ जिले में ही इसे तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी डिमांड दूर दूर तक है। कम मेहनत में आसानी से यह डिश तैयार हो जाती है और ग्राहक इसे काफ़ी पसंद करते हैं। गर्मी और रमजान के माह में इस डिश की अत्यधिक डिमांड रहती है। मधुबन बड़ा का टेस्ट करने वाले ग्राहकों ने बताया कि सॉफ्ट क्रीम से इसका जायका और बढ़ जाता है। खाने में यह काफ़ी हल्का होता है और आसानी से पच भी जाता है। इसको खाने के बाद किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए हेल्दी और फायदेमंद रहता है। मेरा नाम मूलचंद। तो आप जो वड़ा बना रहे हैं किस चीज़ का वड़ा है, कौन सा वड़ा है? मूंग की दाल से तैयार होता है, फ्रूट वगैरह मेवा वगैरह डाली जाती है इसके अंदर, क्रीम से तैयार होता है, ये मसाला डाल करके ये बना भी हापुड़ में ही है और शुरुआत भी यहीं से भी है, तो कहीं है भी नहीं है बाहर ऐसी चीज़। तो कहाँ कहाँ अलग क्वालिटी से है ये चीज़, टेस्ट भी इसका बिल्कुल अलग है, खाने वाला अपना अलग ही बताएगा इसको क्योंकि भाई मैंने कोई चीज़ खाई है हापुड़ जाके। तो कहाँ कहाँ से लोग इसे खाने के लिए आते हैं? खाने के लिए तो बहुत बहुत दूर, अपने समझ लो कि 400 रुपये क्षेत्र के सभी लोग आते हैं। अपने क्षेत्र तो है, जिला गाजियाबाद भी है, जिला मेरठ भी है, जिला बुलंदशहर भी है, दिल्ली से भी है, गढ़ है, अपने 400 रुपये एरिए के हैं लोग। और जो लंबे हैं ज़्यादा दूर के बाहर से भी आते हैं, दूसरे स्टेटों के भी। आशीष कुमार नाम। तो आप जो ये वड़ा बना रहे हैं किस चीज़ का वड़ा, क्या नाम है इसका? ये मधुबन वड़ा है, मूंग की दाल का वड़ा रहता है। अच्छा, इसमें काजू बादाम गिरते हैं और बजर रहती है इसकी, क्या बेसन की, और क्रीम रहती है अमूल की फ्रेश क्रीम, और इसके अंदर अनार के दाने डलते हैं। ऐसे मसाले डलने के बाद तैयार किया जाता है ये इसकी। अच्छा, तो कितने कीमत का एक वड़ा आप बेचते हैं? ये 50 रुपये का है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ से लोग खाने के लिए आते हैं? बहुत बहुत दूर से आते हैं, पंजाब से आते हैं, मेरठ से आते हैं, गाजियाबाद से, दिल्ली से, हरियाणा से, बहुत कुछ जगह से आते हैं। तो हापुड़ के अलावा भी कहीं मिलता है ये? नहीं, हो गया नहीं मिलता।